नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और कैसे ओपन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, डीमैट अकाउंट हर ब्रोकिंग का है, आप किसी का भी डीमैट अकाउंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जीरोधा है, एंजल है, ICICI है, HDFC है, सो मैनी ETC, बहुत सारे कोटेक एक्सेट्रा। तो आपको कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, कोई भी कंपनी हो, सबके से पहले आपको फंड ऐड करना होता है। अकाउंट पहले कैसे खोलें, ये चीज़ आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ये दो चीज़ तो होना ही चाहिए। बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास, जहाँ पे आपका नेट बैंकिंग वगैरह एक्टिव हो। तो आधार कार्ड, आपका मोबाइल लिंक जरूर होना चाहिए, मोबाइल लिंक होना चाहिए और आधार, पैन आधार से लिंक होना चाहिए, पैन आधार लिंक होना चाहिए प्लस मोबाइल से भी लिंक होना चाहिए। तो इतना चीज़ अगर आप हो जाते हैं और अगर आप 18 ईयर्स अबोव हैं तो आप अकाउंट कर सकते हैं किसी का भी। ये हुआ पहला चीज़। दूसरा, अब अकाउंट जब होता है, आप किसी का भी अकाउंट खोलिए, सबसे पहले आपको करना होता है फंड ऐड। तो आपको फंड सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको ऐड करना है। ऐड करने पे आपको कैसे ऐड कर सकते हैं, आप UPI से ऐड कर सकते हैं, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, जीपे हो गया, इस सबसे आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट जो काम आएगा, आपको क्या करना है, प्लेस ऑर्डर में क्लिक करना है। प्लेस ऑर्डर में क्लिक करना, हर एक का प्लेस ऑर्डर होता है, तो स्टॉक ऑप्शन में जाके आपको प्लेस ऑर्डर में क्लिक करना है। अब वहाँ पे कोई भी शेयर जो भी आप लेना चाहते हैं, जो नए लोग हैं उसको मैं बता दूँ कि सबसे पहले आप स्टॉक से स्टार्ट करिए, छोटा छोटा शेयर आप लीजिए, जैसे टाटा स्टील हुआ, 100 का शेयर है, 130 रुपये चल रहा है, ये सब ले सकते हैं। चाहे IDFC फर्स्ट बैंक हुआ, ये 80 रुपये का शेयर है, ये सब ले सकते हैं। तो जो छोटे छोटे शेयर हैं उस सब से आप SIP करिए, जब भी पैसा आता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब आपके पास पैसा बच रहा है, बाय करिए और बाय करके उसको 10 से 20 साल छोड़िए, आपके पास एक अच्छा कॉर्पस तैयार हो जाएगा। जो नए लोग हैं, मैं उनको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी भी फ्यूचर ऑप्शन वगैरह में नहीं पढ़ें। फ्यूचर ऑप्शन एक बहुत बड़ा रिस्क है, यहाँ पे 95% लोग लूजर्स होते हैं और 5% लोग हैं जो पैसा कमाते हैं। तो आपको ये सब जाल में, साजी में नहीं पड़ना है। आप कॉर्पस तैयार करें, टाटा स्टील, IDFC जैसे शेयर में इन्वेस्ट करें और एक कॉर्पस तैयार करने पे फोकस करें, ना कि ट्रेडिंग करने पे। कॉर्पस तैयार हो, ये आपका मकसद होना चाहिए। 10 साल 15 साल में एक अच्छा कॉर्पस आपको मिले, वो मकसद होना चाहिए। तो ये एक इनिशियल जानकारी था जो बहुत लोग जानना चाह रहे थे। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और याद रखिए, कॉर्पस फोकस करना है, कॉर्पस कॉर्पस कॉर्पस। जय हिंद, वंदे मातरम।